शातिर अज्ञात चोरों ने निमराना कस्बे में पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल खड़े कर दिए हैं। निमराना के महल चौक में लगे पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को सोमवार देर रात सेंध मारी कर अज्ञात चोरों ने गैस कटर से एटीएम को काटकर उसमें रखे करीब 10,63,000 रुपए लेकर फरार हो गए। मंगलवार सुबह चोरी की सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपाल सिंह यादव, पुलिस उपाधीक्षक लोकेश मीणा व थाना प्रभारी गौरव प्रधान में जब्ते के मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का मौका मुआयना किया और सीसीटीवी कैमरों की जांच की। लेकिन शातिर चोरों ने चोरी करने से पहले सीसीटीवी कैमरों पर काला स्प्रे कर लूट की घटना को अंजाम दिया, जिससे एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरों में कोई फुटेज नहीं मिल पाई है। अब पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल कर चोरों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। डीएसपी लोकेश मीणा ने बताया कि सोमवार रात को अज्ञात चोर एटीएम काटकर यहां से पैसे लेकर फरार हो गए हैं। हमें कुछ क्लू हाथ लग चुके हैं, जिसके आधार पर चोरों को पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। रात को एटीएम लोग काट के यहां से पैसे लेके गए हैं। कुछ अज्ञात हम लोगों ने 2-3 टीमें गठित कर दी हैं। अभी पीएनबी बैंक वाले आए नहीं है, तो एग्जैक्ट अमाउंट का पता लगाना बाकी है। बाकी जो भी क्लू मिलेंगे सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख रहे हैं, कुछ क्लू हमें मिले हैं जिन पे हमने टीम लगा के काम करना शुरू कर दिया है और उम्मीद है जल्दी सफलता मिलेगी।